दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक स्मार्ट वॉच के थ्रू पबजी खेल सकते हैं, जोमेटो से खाना ऑर्डर कर सकते हैं, ऊबर से कैब बुक कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, वो सब आप कर पाएंगे जो आप एक नॉर्मल स्मार्टफोन में कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा? तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के। यहाँ पर फायरबॉल ब्रांड ने अपनी फर्स्ट 4G एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है, जो किसी स्मार्टफोन से कम नहीं है। दैट इज फायरबॉल ड्रीम, और इसका लॉन्च प्राइस है 6,000 रुपीज के आसपास, और इसका नाम रखा गया है रिस्ट फोन का। जब एक स्मार्टफोन और एक स्मार्ट वॉच का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो भाई रिस्ट फोन बन जाती है, और इससे आप वो सब चीजें कर पाएंगे जो अपने स्मार्टफोन से आप करते हैं। भले ही वो सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस करना हो गया, आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेस करना है, या आपको मैप के थ्रू नेविगेशन करना है, आपको खाना ऑर्डर करना है, आपको यहाँ पे कैब बुक करनी है, यूट्यूब के थ्रू आपको म्यूजिक एंजॉय करना है, यहाँ पे बिल्ट इन स्पीकर दिया गया है, आपको बातचीत करनी है कॉलिंग करके, 4G सिम कार्ड सपोर्ट करती है स्मार्ट वॉच। यहाँ पर अगर आप एक रिस्ट फोन कंसिडर करने का सोच रहे हैं, इस वीडियो में आपको सारी डिटेलिंग मिल जाएगी प्रॉपर टेस्टिंग के साथ। इस बॉक्स के अंदर कंटेंट क्या है, इसकी बिल्ड कैसी है, क्या क्या आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, सब हम डिटेलिंग में चेक करेंगे, ताकि एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डिसाइड कर ही लें कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहां पर आपको फायरबॉल ड्रीम एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच का ऐसे बिल्कुल आपको बढ़िया सा प्रीमियम सा बॉक्स मिल जाएगा ब्रांड की तरफ से। साइड में काफी फीचर्स मेंशन किए गए हैं, सब आगे डिटेलिंग में चेक किए जाएंगे। इसको हम करते हैं क्विकली अनबॉक्स। तो आप देख सकते हैं एक एक चीज बिल्कुल बढ़िया तरीके से पैक की गई है बॉक्स के अंदर। सबसे पहले आपको बहुत सारा भर भर के पेपर वर्क मिलने वाला है। यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड मिल जाएगी, यूजर मैनुअल मिलने वाली है, कुछ आपको कूपन कोड्स मिलने वाले हैं ब्रांड की तरफ से, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में एक अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे आपको अच्छी खासी लेंथ की आप बोल सकते हैं चार्जिंग केबल मिलेगी टू चार्ज योर स्मार्ट वॉच। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे स्ट्रैप्स को लेकर, जो आपको यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन, जो आपको स्ट्रैप का वेरियंट चाहिए अपने हिसाब से आप पिक कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ब्रांड की तरफ से 3 ऐसे कलर कॉम्बिनेशन आए हुए स्ट्रैप्स को लेकर। यहाँ पर जो स्ट्रैप का साइज दिया गया यहाँ पे आपको 22 mm का मिल जाएगा। स्मार्ट वॉच की बिल्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी मेटालिक बिल्ड की आपको स्मार्ट वॉच मिलने वाली है, काफी टफ लुक भी प्रोवाइड करती है। बैक साइड में आपको चार्जिंग पॉइंट मिलने वाला है, सेंसर्स मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको एक बिल्ट इन स्पीकर मिल जाएगा, माइक्रोफोन भी मिलने वाला है, साथ में एक बटन मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको क्राउन की फंक्शनलिटी मिल जाएगी। और यहाँ पर इस साइड पे आपको यहाँ पे सिम ट्रे दिया गया है, सिम स्लॉट दिया गया है, यहाँ पे आप 4G सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपली नैनो सिम कार्ड जो आपके पास है इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे ट्रे के ऊपर। यहाँ पे आप ट्रे को ऐसे इंसर्ट कर देंगे, आपकी स्मार्ट वॉच जो है बिल्कुल रेडी टू यूज हो जाएगी। सिम कार्ड इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आप एक बार रिस्टार्ट कर लीजिएगा स्मार्ट वॉच को सेफर साइड के लिए। यहाँ पर फ्रंट में आपको 2.02 inches का ट्रू व्यू डिस्प्ले मिलने वाला है, ऐसा आपको यहाँ पे लुक एंड फील मिल जाएगा डिस्प्ले पार्ट को लेके, इंडोर कंडीशन की ब्राइटनेस को लेके, इसके व्यूइंग एंगल्स को लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और साथ ही में इसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा, यूआई को एक्सेस करने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, स्मूथ तरीके से आप यूआई को यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप आउटडोर कंडीशन में भी स्मार्ट वॉच को यूज करते हैं, सनलाइट में भी यूज करेंगे, विजिबिलिटी पार्ट को लेकर दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से एक्सेसिबिलिटी दे पाएंगे आउटडोर कंडीशन में भी। साथ ही में सब क्राउन की फंक्शनलिटी भी दी गई है, इसको आप ऐसे रोटेट करके जो मल्टीपल वॉच फेसेस है यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं, या फिर जो मेन्यू है उसको भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं क्राउन को यूज करके। और एक शॉर्टकट की बात बताऊं तो यहाँ पर आपको जो क्राउन दिया गया उसको आप ऐसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से भी आप क्राउन से वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं डायरेक्टली। और इसके यूजर इंटरफेस की बात करेंगे, यहाँ से अगर आप स्क्रीन से स्वाइप डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे आपको यहाँ पे स्मार्टफोन में आपको यूआई मिलता है, वैसा आपको यूआई मिल जाएगा यहाँ पे स्मार्ट वॉच में भी। यहाँ से आप ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और ऊपर आपको दिखा रहा है 4G की कनेक्टिविटी, बैटरी परसेंटेज दिखा देगा, और टाइमिंग दिखा रहा है यहाँ पर। और साथ ही में यहाँ पे आपको वाईफाई से कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैं कनेक्शन एस्टेब्लिश कर चुका हूँ वाईफाई से। वाईफाई से कनेक्ट करके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट को, या फिर आपको जो सिम कार्ड का डेटा है उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। और इसमें आपको 2GB की रैम मिलने वाली है, 2GB रैम प्लस 16GB का आपको स्टोरेज मिल जाएगा। आपको यहाँ पे म्यूजिक स्टोर करना है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, वो भी आप कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के थ्रू ही। साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलने वाला है, यहाँ से आप ब्लूटूथ पेयरिंग कर सकते हैं, ट्रू वायरलेस ईयरबड्स आपको कनेक्ट करने हैं, यहाँ पर कुछ भी कनेक्ट करना है यहाँ से आप कर सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में जाके। नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, बैटरी सेविंग का ऑप्शन मिलने वाला है, फ्लाइट मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड साथ ही में लोकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसमें आपको बिल्ट इन GPS मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैंने गूगल मैप्स को इंस्टॉल करके डेस्टिनेशन भी सेट करके देखी थी, आप आराम से नेविगेशन ले सकते हैं, आपको फोन को बार बार पॉकेट से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, हाथों से ही स्मार्ट वॉच के थ्रू ही आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे नेविगेशन देख सकते हैं, आपको डेस्टिनेशन पे जाना है आराम से आप देख देख के पहुंच जाएंगे। यहाँ से आप वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको स्क्रीन रेशियो सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे यहाँ पर आपको मल्टीपल वॉच फेसेस मिलने वाले हैं, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जाएंगे आईएल मार्ट में तो यहाँ पर आपको
और भी वॉच फीचर्स मिलने वाले हैं, मल्टीपल आपको वॉच फीचर्स मिल जाएंगे क्लाउड बेस्ड, यहाँ से आप सेट करके अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जितनी भी एप्लीकेशन से स्मार्ट वॉच यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप क्राउन को डबल प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन्यू स्टाइल चेंज हो जाएगा, जो आपको मेन्यू स्टाइल पसंद आ रहा है अपने हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फोन कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, सिम कार्ड इंसर्ट करके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कॉलिंग कर सकते हैं, आपको डायल पैड मिलने वाला है। लगे आते कॉलिंग का टेस्ट भी देख लीजिए आप इसके थ्रू। हेलो। हाँ दीक्षा, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, रेस्ट कर रही थी। आराम फरमाया जा रहा है। हाँ ओके, अरे अभी मेरे पास यहाँ पर ना फायरबॉल ब्रांड की तरफ से इनकी एक ड्रीम स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई है। ये रिस्ट फोन है, इसमें 4G सिम कार्ड सपोर्ट करती है, एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है। अरे तो वाह, मैं कॉलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे सिम कार्ड डाल के, यहाँ पे स्मार्ट वॉच के थ्रू। पार्क साइड कंडीशन में हूँ तो मेरी आवाज़ तुम्हें कैसी आ रही है? आवाज तो क्लियर आ रही है, लाउडनेस एडिक्वेट है, ठीक है। और बैकग्राउंड की कोई टुडे भी कुछ मुझे खास पता नहीं चल रही है, लेकिन आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उनकी आवाज़ तुम्हें आ रही है वैसे? नहीं, मेरी आवाज़ पे मतलब फोकस है अच्छे तरीके से? हाँ अच्छे फोकस है। ठीक है दीक्षा, थैंक यू, ओके बाय बाय। यहाँ पर आप सेटिंग्स पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स मिल जाएंगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो उसको। साथ में ब्लूटूथ सेटिंग्स मिलने वाली है, और डिस्प्ले में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस के लेवल्स को इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। स्लीप आपको कितनी देर में स्क्रीन ऑफ करनी है, यहाँ से आप टाइमिंग सेट कर सकते हो उसकी भी। वाइब्रेशन फीडबैक कौन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पर जो क्राउन रोटेशन टच है, यहाँ पे आपको वीक चाहिए, जनरल चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्राउन कितना तेज तरीके से वर्क करें, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं उसको। और यहाँ पर आप एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे जो रेस्ट वेक फीचर है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से उसका रेस्ट वेक फीचर डिसेंट तरीके से वर्क करता है। स्मार्ट वॉच को आप ऊपर करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लग सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर डिस्प्ले मिल जाएगा। और भी आपको मल्टीपल चीजें मिलने वाली है, फॉन्ट साइज को लेके, डिस्प्ले साइज को लेके, जो आपको यहाँ पे स्मार्टफोन में ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में भी सेम ऑप्शंस मिल जाएंगे स्मार्ट वॉच के थ्रू ही। साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मीडिया वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम, रिंग वॉल्यूम कैसे चाहिए, अलर्ट्स कैसे चाहिए, वाइब्रेशन अलर्ट्स को लेके यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं साउंड्स को लेके भी। ऑडियो प्रोफाइल्स में आपको जनरल, साइलेंट, वाइब्रेशन, आउटडोर में सेट करना है, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। स्टोरेज में आप जाएंगे तो आपको दिखा देगा कितनी स्टोरेज बची हुई है आपकी स्मार्ट वॉच में, कितने फोटोज है, कितने वीडियोस है, कितनी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की हुई है, कितनी स्पेस बची हुई है, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं स्टोरेज को। एप्स एंड नोटिफिकेशंस का ऑप्शन, डिवाइस सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, लोकेशन, एक्सेलरेशन, गूगल, पावर सेविंग मोड, रीसेट ऑप्शंस, मल्टीपल यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलने वाली इसके सेटिंग्स पार्ट में। ब्राउजर आपको मिलने वाला है, यहाँ पे आपको कुछ भी सर्च करना है, सर्च इंजन दिया गया है, गूगल को भी एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से ब्राउजिंग करनी है वो भी आप कर पाएंगे साफ साफ स्मार्ट वॉच के थ्रू ही। बिल्ट इन आपको कैलकुलेटर मिलने वाला है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ में कैलेंडर का ऑप्शन, कॉन्टैक्ट्स, एल्बम, मैसेजिंग, म्यूजिक का ऑप्शन मिलने वाला है, यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं म्यूजिक को भी। इसका जो स्पीकर दिया गया है उसका भी आप साउंड सुन लीजिए लगे हाथ। स्टॉपवॉच का ऑप्शन, पावर सेविंग मोड, वन क्लिक क्लीनअप का ऑप्शन दिया गया, जो आपकी बैकग्राउंड में एक्टिविटीज चल रही है, एप्लीकेशन चल रही है बैकग्राउंड में, यहाँ से आप क्लीन कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे स्मूथनेस में कोई दिक्कत नहीं आए स्मार्टवॉच को यूज करने में। क्लॉक का ऑप्शन, वीडियो प्लेयर मिलने वाला है, यहाँ पे आप वीडियो स्टोर कर सकते हैं, इसके स्टोरेज पार्ट में आपको वीडियो देखने हैं यहाँ पे, ऐसा आपको डिस्प्ले मिलने वाला है वीडियो पार्ट को लेके, ऐसा आपको आउटपुट मिल जाएगा। फ्लैश लाइट का ऑप्शन, साउंड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, यहाँ पे आपको ऐप मार्केट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस दी गई हैं जो आपको इंस्टॉल करनी है, यहाँ से आप कर सकते हैं डायरेक्टली। साथ ही में आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर भी दिया गया, अगर आपको सेंसर यूटिलाइज करने हैं वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से कैजुअल पर्पस के लिए। चाइल्ड सेटिंग्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थीम्स, चाइल्ड, डायलॉग, वॉलपेपर्स, तो मल्टीपल आपको सेटिंग्स मिलने वाली, जो जो आपको सेटिंग्स मिलती है एक स्मार्टफोन में एक्जैक्टली आपको सेम सेटिंग्स मिल जाएंगे यहाँ पे स्मार्ट वॉच के थ्रू भी। आइल मार्ट मिलने वाला है, यहाँ पर आपको स्टेप काउंटिंग दिखा देगा, कितने आपने स्टेप्स किए हैं, कितनी कैलोरीज बर्न की हुई है। यहाँ पर प्ले स्टोर भी मिल जाएगा, ये वाला फीचर आपका बिल्कुल यूजफुल रहने वाला है, आपको जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करके रखी हुई है सबवे सर्फर, मैंने यहाँ पे गेम करके रखा हुआ है, गेमिंग करके देखिए आराम से आप स्मूथ तरीके से गेमिंग एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए आपको कॉर्टेक्स क्वाड कोर सीपीयू दिया गया है, जो प्रोसेसर यूज किया गया है जो कि स्मूथ तरीके से वर्क करता है, गेमिंग पार्ट को लेकर पर्टिकुलरली मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और यहाँ पर मैंने उबर भी इंस्टॉल किया था, आप कैब भी बुक कर सकते हैं भाई स्मार्ट वॉच के थ्रू, यहाँ पे आप कैब बुक कर सकते हैं, जोमेटो से आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये भी मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। और मैप्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लगा, अगर आपको कहीं जाना है नेविगेशन सेट करके आप स्मार्ट वॉच के थ्रू ही नेविगेशन देख देख के डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं स्मार्टफोन को बिल्कुल बाहर ना निकालते हुए। यूट्यूब को भी मैंने इंस्टॉल करके देखा, यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस भी प्ले करके देखे, ऐसा आपका आउटपुट मिलने वाला है, वो भी सही तरीके से वर्क करता है। इंस्टाग्राम का ऑप्शन, फेसबुक का ऑप्शन, आप व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज करनी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेके, जो आप स्मार्टफोन के थ्रू करते हैं यहाँ से आप स्मार्ट वॉच के थ्रू भी कर सकते हैं। और जो नीचे वाला बटन दिया गया उसको अगर आप ऐसे सिंगल प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप स्क्रीन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे इस बटन को तो यहाँ पे आप शट डाउन कर सकते हैं, रीबूट कर सकते हैं स्मार्ट वॉच को।
और साथ ही में इसमें आपको IP67 वाटर रेजिस्टेंट फीचर भी दिया गया है। अगर आप रेन में यूटिलाइज करते हैं, पानी के स्प्लैशेस लगते हैं, आप हैवी एक्टिविटीज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली स्मार्ट वॉच को एज सच। और यहाँ पर अगर हम इसके बैटरी लाइफ की बात करेंगे, मैंने इसको पर्सनली भाई हैवी यूसेज किया, आप बोल सकते हैं हैवी। अगर आप बिल्कुल लगे रहेंगे स्मार्ट वॉच में, अगर आप गेम्स भी खेलते रहेंगे, बातें भी करते रहेंगे, आपको मैक्सिमम बोल सकते हैं 4 से 5 घंटे का आपको प्ले टाइम मिलने वाला है, बैटरी लाइफ मिलने वाली है। अगर आप इसका बिल्कुल स्मार्टफोन की तरह नॉर्मल यूसेज करेंगे, आराम आराम से कुछ आपने गेम्स खेल लिए, कुछ कॉलिंग कर ली, डिसेंट तरीके से यूज करेंगे, एक दिन के आसपास बैटरी डिपेंड करती है आपकी यूसेज में मेनली, एक दिन के आसपास अगर आप बिल्कुल एडिकेट तरीके से यूज करेंगे, आपको यहाँ पे स्मार्ट वॉच में बैटरी लाइफ मिलने वाली है। दोस्तों आप लोगों को इनिशिएटिव कैसा लगा? आपको यहाँ पे स्मार्टफोन का बिल्कुल अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए एक रिस्ट फोन में, आपके हाथों के थ्रू ही सारे के सारे आप चीजें कर पाए जो आप स्मार्टफोन के थ्रू करते हैं, ये मुझे पर्सनल इनिशिएटिव काफी बढ़िया लगा। अगर आपको एक बैकअप फोन लेना है उसकी जगह यहाँ पे स्मार्ट वॉच को भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आईफोन यूजर रहते हैं उसमें आपको डुअल सिम का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, आपको एक सिम कार्ड यूज करना है, दूसरे सिम के लिए आपको दूसरा फोन परचेज करना पड़ता है, तो उसकी जगह यहाँ पे आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल ये स्मार्टफोन के थ्रू आपको सारे के सारे फीचर्स प्रोवाइड कर देगा जो कि आपको नॉर्मल फोन प्रोवाइड करता है। और देखा जाए यहाँ पे इसका जो प्राइस पॉइंट 6,000 रुपीज के आसपास रखा गया, मेरे हिसाब से सही रखा गया, क्योंकि आपको फीचर्स काफी बढ़िया बढ़िया मिलने वाले हैं जो कि सही तरीके से वर्क करते हैं स्मूथ तरीके से। तो यहाँ पर मैंने आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया सारी टेस्टिंग के साथ, आप पे डिसीजन मैटर करता है इसको परचेज करना चाहिए कि नहीं। मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स भी दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आए चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज कंप्लीट टेस्टिंग एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च फायरबोल्ट ड्रीम रिस्ट फोन। Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.